गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है चैल शाह एंड हम कर रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। इससे पहले जो क्लास अपलोड हुई है उसके अंदर हमने HTTP और HTTP सिक्योर के बारे में देखा, URL क्या होता है, MIME प्रोटोकॉल्स क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस में क्या डिफरेंसेस है ये भी हमने देखे। उसी में आगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FTP और टेलनेट के बारे में, ठीक है। अगर आपको क्लासेस की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता भी है कि जनरली FTP का काम क्या है, फिर भी हमें भाई अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंटेंट चाहिए, थोड़ा और समझने की रिक्वायरमेंट लगे तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो HTTP होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड SMTP होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन होता है। FTP देखिए अब यहाँ पे क्या है। FTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। मतलब कि जो FTP है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट या क्लाइंट से सर्वर के ऊपर या सर्वर से क्लाइंट पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है साथ में, ये TCP बेस्ड नेटवर्क होता है, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल है। HTTP की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें केवल एक ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसमें दो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं। पहला जो कनेक्शन है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है और जो दूसरा कनेक्शन है वो कंट्रोल कनेक्शन होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए काम आता है, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसफ़र में जो कनेक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन और क्लोज्ड होते हैं फॉर ईच फाइल ट्रांसफ़र। और जो दूसरा कंट्रोल कनेक्शन होता है वो हमेशा जब तक हमारा FTP का सेशन है तब तक वो कनेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं FTP के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि भाई फाइल्स को ट्रांसमिट करता है और शेयर करता है ना, ये तो इजीली हमें पता है, आप सबको पता भी है। सेकंड क्या है कि भाई इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज़ ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। मतलब भाई अब दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं ना, यूज़ हो रहा है उन दोनों, कर रहे हैं एक दूसरे चीज़ों का। टू ट्रांसफ़र डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली, और सबसे मेन बात कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है टू एनेबल डेटा ट्रांसफ़र। FTP का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने में, ठीक है, फ्रॉम और टू सर्वर। जब हम सर्वर से कुछ फाइल ले रहे हैं तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब हम सर्वर में कुछ फाइल डाल रहे हैं तो हम उसको अपलोडिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि FTP क्या होता है, कनेक्शंस क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आगे स्टार्ट करते हैं क्या है हमारा टॉपिक, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा और। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये कह रहा है कि जब हम फाइल को शेयर करते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है कि भाई डायरेक्टरी डिफरेंट हो जाए, उनकी जो फाइल्स की नेमिंग कन्वेंशंस है वो अलग हो जाए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स FTP में सॉल्व की गई है, इसीलिए हम फाइल ट्रांसफ़र करने में FTP को यूज़ करते हैं, ओके। अब इसी चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पे दो क्लाइंट्स हैं, FTP क्लाइंट वन और टू, एक सर्वर है, तीनों आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। अगर क्लाइंट वन ने नेटवर्क में कुछ डाला तो उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं, सॉरी डाउनलोडिंग लिख दिया मैंने, अपलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब नेटवर्क से क्लाइंट कुछ ले रहा है तो उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं।
अगर क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो क्लाइंट है उसके पास कितने कंपोनेंट होते हैं। 3 कौन कौन से? यूज़र इंटरफेस, क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस और क्लाइंट डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। सर्वर के पास कितने होते हैं भाई? 2, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और सर्वर डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब आगे देखिए कंट्रोल कनेक्शन क्या होते हैं। जो कंट्रोल कनेक्शन है वो कंट्रोल प्रोसेस के बीच में बनते हैं और डेटा कनेक्शन डेटा ट्रांसफ़र के बीच में बनते हैं। डायग्राम में देखिए यहाँ पर, तो जो कंट्रोल कनेक्शन है वो सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस के बीच में बनेगा और जो डेटा कनेक्शन है वो सर्वर डेटा ट्रांसफ़र और क्लाइंट डेटा ट्रांसफ़र के बीच में एस्टेब्लिश होता है। अब FTP पोर्ट के बारे में बात करें तो एक पोर्ट नंबर 21 और एक पोर्ट नंबर 20 यूज़ होता है। 21 को हम कंट्रोल कनेक्शन में यूज़ करते हैं और 20 को डेटा कनेक्शन में यूज़ करते हैं। तो चलिए अगर आपको याद है तो बताइए कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना था? 80 और HTTP सिक्योर का 443 था। ठीक है, कल की जो लास्ट क्लास अपलोड हुई है उसमें हमने बताया था। अब FTP की वर्किंग इस डायग्राम के थ्रू समझिए, इजी सा डायग्राम है, आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लिखा नहीं है मतलब। मैंने क्लाइंट के 3 कंपोनेंट हैं, 1, 2, 3, और सर्वर के 2 कंपोनेंट हो गए, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। ठीक है, इसमें यूज़र इंटरफेस नहीं होता सर्वर के पास। क्लाइंट के पास जो यूज़र है वो कनेक्ट करेगा। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे ब्राउज़र है और सर्वर का मतलब यहाँ पे वेबसाइट समझिए। ठीक है, तो यूज़र ने ब्राउज़र से कनेक्ट कर लिया थ्रू यूज़र इंटरफेस। ओके, उसके बाद देखिए जो नेटवर्क है वो यहाँ पे TCP/IP है। कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसेस और डेटा प्रोसेसेस के बीच में। यहाँ पे जो क्लाइंट ब्राउज़र की स्टोरेज है वहाँ से डेटा को वो ट्रांसफ़र कर सकता है जो भी उसको यूज़ करना है। दूसरी साइड में सर्वर की स्टोरेज होगी, वहाँ से वो डेटा को ट्रांसफ़र या यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये FTP की वर्किंग थी। आगे देखते हैं, अभी मैंने बताया कि जो कंट्रोल कनेक्शंस होते हैं वो पूरे FTP सेशन में के दौरान कनेक्ट रहेंगे और जो डेटा कनेक्शंस होते हैं जब फाइल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब वो ओपन रहेगा और जब फाइल ट्रांसफ़र करना बंद हो कर देंगे तब वो कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा FTP, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं टेलनेट के बारे में। टेलनेट के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, रिमोट डेस्कटॉप ये एक सेपरेट प्रोग्राम होता है या फीचर होता है, फाउंड ऑन मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज अ यूज़र टू एक्सेस एन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप। मतलब कि जो रिमोट डेस्कटॉप है ये आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फीचर या एक अलग से प्रोग्राम ऐड किया गया है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम वहाँ पे रिमोटली नहीं है, हम कहीं और बैठे हैं लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमोट लॉगिन क्या होता है? दैट अलाउज ए यूज़र टर्मिनल टू कनेक्ट टू ए होस्ट कंप्यूटर वाया ए नेटवर्क और डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लिंक एंड टू इंटरेक्ट विद द होस्ट इज टर्म्ड एज रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन जो होता है वो उसकी हेल्प से एक यूज़र दूसरे होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, लेकिन किसके थ्रू? या तो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करेगा या कोई डायरेक्ट लिंक हो उसके थ्रू कनेक्ट करेगा, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? रिमोट लॉगिन बोलते हैं। और आगे देखिए कि जो टेलनेट है वो हम रिमोट लॉगिन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि हम तो टेलनेट क्या होता है, अगर अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सिंपली देख सकते हो सबसे ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेलनेट इज़ ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, किसी दूर रखे हुए कंप्यूटर से कनेक्ट करने में यूज़ होता है। या फिर टेलनेट इज़ अ रिमोट लॉगिन दैट हेल्प्स ए यूज़र टू लॉगिन अनदर यूज़र्स टर्मिनल बीइंग इट्स ओरिजिनल यूज़र। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो देखिए, मान लीजिए मैं मेरे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ और कोई और किसी दूसरे लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो वो
इस टेलनेट रिमोट लॉगिन की हेल्प से वहाँ दूसरे जो लैपटॉप पे काम कर रहा है वो मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। अगर हम म्यूचुअली कमांड्स डालें टेलनेट की तो वो मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। मीन्स कि जो मैं यहाँ वो अपने कीबोर्ड से वहाँ पे जो टाइप करेगा वो यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे टाइप होगा, ठीक है, मेरे मॉनिटर पे टाइप होगा। तो समझ रहे हैं आपके टेलनेट में क्या कहना चाह रही हूँ कि रिमोटली रिमोट कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकें। दूसरी बात देखिए, अब मुझे जो मेरे कंप्यूटर पे जो जो परमिशंस मिली है ना यूज़ करने की, वही सारी परमिशन जिसने मेरे कंप्यूटर को टेलनेट के थ्रू कनेक्ट किया है उसको भी मिलेंगी, ठीक है। वो एकदम सेम एज इट इज़ ओरिजिनल यूज़र की तरह वर्क करेगा। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन रिलायबल कनेक्शन। यहाँ पे देखो टेलनेट की वर्किंग कैसे होती है। अगर हमें टेलनेट भाई अपने लॉगिन करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड टाइप कीजिए, टेलनेट और होस्ट एड्रेस लिखिए या फिर टेलनेट और आईपी एड्रेस लिखिए। लिखने के बाद जो हमारा टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा लोकल मशीन पे। उसके बाद जो क्लाइंट है वो टीसीपी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद मतलब हम रिमोटली कनेक्ट हो गए हैं, रिमोटली लॉगिन हो गया है। अब वो अपने कम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करे वो मैं अपनी स्क्रीन पर देख सकती हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ कोई भी मेरे कंप्यूटर की फाइल ओपन कर सकता है। अगर हमें लॉग आउट करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉग ऑफ और लॉग आउट कीजिए, टेलनेट से बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया टेलनेट क्या होता है। अब एक बार टेलनेट को डायग्राम के थ्रू समझिए कि जैसे ये टेलनेट क्लाइंट है, यहाँ पे ये उसका टर्मिनल है, दूसरी साइड टेलनेट सर्वर है वो उसका सुडो टर्मिनल है, दोनों टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट होगा इनका, वो उनका रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट होगा। अब ये रिमोट वाला अपने कीबोर्ड से जो टाइप करेगा वो मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये है टेलनेट रिमोट लॉगिन। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।